क्या आपने कभी फैक्ट्री में साबूदाना बनते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि साबूदाना किस चीज से बनाया जाता है और साबूदाना हमारी सेहत के लिए क्यों फायदेमंद है? कुछ लोगों का मानना है कि साबूदाना रेशम के कीड़े से बनते, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये चावल से बनाते हैं, तो सच क्या है? चलिए जानते हैं। तो साबूदाना कसावा के पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। ये कसावा शकरकंद की प्रजाति से आता है, इसीलिए यह बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जड़ से काटकर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को कसावा रूट कहा जाता है। अभी इन कसावा रूट्स में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसावा रूट्स को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह धो लिया जाता है। उसके बाद सारे कसावा के फलों को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसावा के फलों से छिलकों को निकाल देती है। निकलने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद थोड़ी बची हुई गंदगी भी साफ हो जाती है। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल दूधिया सफ़ेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। उसके बाद सारे छिल्ले हुए कसावा रूट को एक ग्राइंडर मशीन में भेज देते हैं, जहां इनको पीस जाएगा। ग्राउंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राउंड होने के बाद ये दूधिया रंग के गाढ़े थके के रूप में जमा हो जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उनसे सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, या कहें तो रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है, उसे नाली के द्वारा आप बाहर निकाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर इस और फाइबर अलग करने के बाद जो गूदा निकलता है, उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कस्बा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है। इसीलिए अब इनको फिर से मिल में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है। दोस्तों, ग्राइंड होने के बाद यह आरा लॉट में बदल जाता है। जी हाँ, इसी क्रम में आरा लॉट को भी बनाया जाता है। तो अब अंतिम चरण में आरा लॉट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए आरा लॉट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सारे आरा लॉट को 1 mm से 7 mm के गोला आकार में बदल देता है। तो भैया जी, कुछ ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। दोस्तों, अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक रंग बिरंगे पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।